2020 से जो एक सबसे बड़ी सीख मुझे मिली है वो है वर्तमान में जीना। कल क्या होगा या क्या हो चुका ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 2020 16 मार्च को हमें यह नहीं पता था कि 17 मार्च से हमारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। लॉकडाउन शुरू हुआ और जीवन की पूरी परिपाटी ही चेंज हो गई। तब जाना कि वर्तमान में जीना ही सबसे बेहतर है और सुकून की तलाश करना ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम अपनी सेहत को खोएंगे, मानसिक तनाव में रहेंगे। इसलिए मैंने जो 2020 से सीखा वो यही सीखा कि हमें सुकून से जीवन जीना है और वर्तमान में रहना है। बस सबसे बड़ी चीज होती है मेंटल सेटिस्फेक्शन। यदि मानसिक रूप से मैं स्वस्थ हूं उससे मेरी सेहत अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, और जब सेहत अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो वर्तमान में जीना, सुकून से जीना, यही मैंने 2020 से सीखा जी। दादा तो भैया नमस्कार, 9 साल आ रहा हूं, 9 साल मतलब हैप्पी न्यू ईयर है कि सतर। दुनिया के तमाम लोग अब मौज काटेंगे कैसे 2020 तो पता ही है दादा कैसे हुआ हो। खैर उस पे तो बाद में आएंगे, तो सबसे पहले दरोगा आपको सिंह की तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की मुबारकबाद है कि हमारी पूरी उल्टन पलटन की जो टीम है हम सब की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर हैगी। बाकी का कहें दादा, 2020 से हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, एक्सपीरियंस मिले हैं नए नए खट्टे मीठे। असल में जो बीच में जो कोरोना नाम की जो चिरांद आई थी दादा, मैंने कहा कि थोड़ी सो हिला के रख दो, लेकिन हमारे देश की जनता इतनी समझदार है कि देखो चीज़ें मानी और धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में हो गई। बीच में हमारी भी सबकी बल्कि जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं सबकी शूटिंगें बीच में दादा बंद रहीं, फिर भी हमने एंटरटेनमेंट कम ना करो, हमने लाइव वीडियो किए, हमने न्यूज़ चैनल पे लाइव वीडियो किए, जितना हो सका घर बैठ के में भी लोगों का एंटरटेनमेंट किया। मनोरंजन तो मतलब एक्टर का धर्म है ना दादा, अभिनेता मतलब लोगों को मनोरंजन करना। बाकी फैमिली के साथ कैसे और समय गुजार सकते हैं वो सीखा। मुझे खाना बनाने का मतलब दरोगा आपको सिंह को खाना कुकिंग को बड़ा शौक है, तो हमने बहुत तरह तरह के व्यंजन बनाए और खूब सारे पेल पेल के डाले भी, लोगों ने देखे भी, उनके मुंह में पानी भी आया। तो यही सब खट्टे मीठे अनुभव हैं और आगे पूरी कोशिश है कि इस पूरी मुसीबत से पूरी तरीके से छुटकारा जल्द से जल्द मिल के हम सब पा लेंगे और नए साल में प्रवेश कर रहे हैं तो और खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बाकी सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। नमस्ते, मैं सारिका बेरोलिया यानी कि आप सभी लोगों की पहली सी बढ़िया। 2020 यानी कि 2020 हर किसी के लिए लगभग थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये ईयर, मेरे लिए भी था। शुरुआत अच्छे से हुई लेकिन बीच में थोड़ा डगमगा गया, थोड़ा क्या एक्चुअली बहुत ज्यादा डगमगा गया। तो कई सारे लोगों ने कुछ कुछ पाया भी तो कई सारे लोगों ने बहुत कुछ खोया भी, लेकिन फिर भी इतनी सारी कठिन परिस्थितियों के बीच में खुद को संभाले रखा जिन लोगों ने, उन लोगों के लिए काबिल तारीफ है। उनमें से ही एक मैं भी हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ अपना, क्योंकि मैं यहाँ मुंबई में अकेले रहती हूँ अपनी फैमिली से दूर, तो मेरे घर वाले बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि मतलब मैं कैसे रहूंगी, इतना कठिन समय है तो कैसे सब कुछ होगा। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से सारी चीजें मैनेज की। थोड़ा डर लगा मुझे शुरुआत में कि अकेली हूँ, ऊपर से अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बहुत अच्छे से रह पाई और आत्मनिर्भर बन गई, सारे काम खुद से करना सीख लिए मैंने। कि अब मुझे लगता है कि आने वाले किसी समय में अब ऐसा होगा कि कोई भी काम जो ऐसा हो जो मैं ना कर पाऊँ, ऐसा शायद ही कुछ हो। सारे काम मैंने खुद से करना सीख लिए हैं, बाहर का, घर का, सब कुछ। और ये साल तो सब लोगों को याद रहने वाला ही है, जैसे कि मुझे तो हमेशा रहने वाला है। तो बस यही है कि अभी भी कोविड अच्छे से गया नहीं है, तो आप लोग अभी भी अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। नमस्ते। टू बी ऑनेस्ट, 2020 ने बहुत कुछ सिखाया। सबसे पहले तो फैमिली की इम्पोर्टेंस, जो कि कहीं ना कहीं हमारे जो डेली शेड्यूल होते हैं एक्टर्स के बहुत बिजी होते हैं, मॉर्निंग टू नाइट हम सेट पे बिता देते हैं तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता। लॉकडाउन की वजह से लकीली वो टाइम मिला और भर भर के मिला, मतलब अच्छे से हमने मम्मी पापा बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। सेकेंडली मैं कहूँगा कि
जो टाइम होता है हमेशा यू नो अनप्रिडिक्टेबल होता है, आपको अगर लगे कि आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो वही चलेगा, नहीं वो कभी भी पलट सकता है। तो हमेशा मेरे कहने का मतलब है कि बुरे वक्त के लिए तैयार रहिए, जब आपका अच्छा टाइम चल रहा है तो कुछ सेविंग्स कर लीजिए या इस तरह से प्लानिंग करिए कि अगर आपके पास एक दो साल काम नहीं है तो आप उसको सर्वाइव कर सकें। थर्डली जो मैंने देखा, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं थे बट जो भी थे सेविंग्स वगैरह बेटी की एजुकेशन के लिए उसकी फीस वगैरह सेव करके रखी थी मैंने, उससे ब्रेक करके मैंने मेरे को क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स के ही मैसेजेस आए कि राशन नहीं है, डेली लाइवलीहुड के लिए बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं है, तो मुझसे जो कुछ पड़ा मैंने कोशिश की उनकी हेल्प करने के लिए। तो हेल्प, ये सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग था मेरे लिए कि अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है, अगर आप अच्छे से सर्वाइव कर रहे हो, तो जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको सीरियसली ज़रूरत है हेल्प की उभरने के लिए किसी चीज़ से, उनकी आप मदद करिए। बिकॉज मेरे को लगता है कि हेल्प से बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। तो ये सब सारी चीज़ें, वैसे तो बहुत सारी लर्निंग्स है लेकिन अगर उसको बताने बैठे लिखने बैठे तो बुक्स भर जाएंगी। सो दैट्स इट, थैंक्स। विशिंग ऑल द फैंस और जो भी लोग हमारा शो देखते हैं उन सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। तबाही मचा दो यार।